आज शुक्रवार को रुड़की में मलकपुर चुंगी पर कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अपने पुत्र एवं हरिद्वार लोकसभा से सांसद प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के साथ मिलकर किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता आज से पूरी तरह अपने आप को कांग्रेस को समर्पित कर जनता के बीच जाएं और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की मांग करें। हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी या विचारधारा से नहीं बल्कि उस समूह से है जिसने अपने अभिमान में आकर संविधान तक को दरकिनार कर दिया है। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना होगा और भारतीय संविधान को बचाना होगा। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज होने के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा इतना डरी हुई है कि उसने चुनाव से पहले अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए कांग्रेस के खाते फ्रीज करवा दिए हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी या उसके प्रत्याशी को चुनाव में कोई भी खर्च करने की दिक्कत पैदा हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी धन बल पर नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर भरोसा करती है। हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। रख देंगे गरीब के लिए निकाल करके रख देंगे, मजदूर किसान नौजवान के लिए निकाल करके रख देंगे। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इनके मंसूबे फेल किए जा सकते, फेल हो जाएंगे। और पांचों सीटों में उत्तराखंड की हम आप बहुत अच्छी लड़ाई में हैं। पौड़ी में देखा आपने, केरल तक में छपा है कि पहाड़ सारा उमड़ करके पौड़ी में आ गया कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन के लिए। देहरादून यही हरिद्वार के अंदर वीरेंद्र जी के नामांकन के लिए सारे हरिद्वार के कांग्रेस जन सड़क में उतर करके आए। चिलचिलाती धूप में लोग चले क्योंकि लोगों को था, मैंने आपका जज्बा देखा, तो उस जज्बे को आपने 20 दिन कायम रखना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कुछ भी हो हम किसी भी कीमत पर इनको संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम किसी भी कीमत पर इनको आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर हम सामाजिक न्याय को खत्म नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर हमारे पिछड़े और कमजोर तबकों के लोगों ने, दलित भाइयों ने, जनजाति के भाइयों ने जो अख्तियार हासिल किए हैं उनको हम इनको छीनने नहीं देंगे। और किसी भी हालत में लोगों की जो बोलने की काम करने की आजादी है उस आजादी को हमको हम इनको छीनने नहीं देंगे और हम प्राण लगा देंगे। आज भी कांग्रेस के अंदर बहुत सारी जमात है, बहुत बड़ी जमात है जो इस देश की मूल्य और मान्यताओं के लिए सर्वोच्च कुर्बान कर सकती है। आप और हम उसका हिस्सा बन सकते हैं इन 20 दिनों के अंदर अपनी मेहनत और परिश्रम से। मैं उम्मीदवार के विषय में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप इनका परीक्षण मेरे बेटे के रूप में बाद में करिए, इनका परीक्षण आप कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में करिए। 25 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं माना, कभी कुछ नहीं कहा, और पिछले 2009 से निरंतर मेरे साथ इस हरिद्वार में गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में सम्मिलित हो रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इनकी समझ का एक नमूना देखा, इन्होंने एक 72 पॉइंट्स का दस्तावेज बनाया है जिसको कहा है मेरा एजेंडा। और उस एजेंडे को देखने के बाद मैं इनको इनको केवल साबशी दे सका है ये एजेंडा देखने के बाद। ये आपके कार्यालय में पहुंचेगा, इसको जरूर लोगों को दिखाइए, ये जरूर जो है लोगों तक खुद भी पढ़िए, लोगों तक देख करके भी जाइए। ये तो देखिए एक नौजवान की सामाजिक सोच कैसी है, एक समाज एक नौजवान की गरीब कमजोर के लिए पिछड़े के लिए दलित के लिए सेवा करने की किस तरीके की भावना है। इस बात को देखिए कि एक नौजवान किस तरीके से हरिद्वार के विकास के खाके को आगे खींचना चाहता है।
आप उसको जरूर पढ़िए और लोगों को पढ़ाने का काम करिए। इनकी अपील को भी देखिए जरा, और उस अपील से आपको नुमाया हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि जिसके लिए आप वोट मांगने जा रहे हैं वो आने वाले समय में एक केवल साधारण एमपी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे सांसद के रूप में आपकी सेवा और खिदमत करने का काम करेगा जिसको आप बरसों बरसों तक प्यार करना चाहेंगे, अपने साथ लपेटना चाहेंगे। मैं एक बात पूरी शिद्दत से कह सकता हूं, मेरे बेटे होने का केवल इतना मैं कह सकता हूं कि यदि इनमें मेरा 15-20-25% भी जज्बा होगा तो ये जीत हार किसी भी स्थिति में आपकी खिदमत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और कभी भी आपके आपके साथ अपने जुड़ाव को निरंतर बनाए रखेंगे। आपने बहुत बार हमको दुत्कारते भी, लोग डांटते भी, लेकिन हमने कभी आपसे अपना जुड़ाव कम नहीं किया। मुझे बता दीजिए, मैं तो एक ही बार आपका सांसद रहा लेकिन मैंने कौन सी मुसीबत है, कौन सा समय है, कौन सा ऐसे चुनौतीपूर्ण